गोविंदर सिंह जी को भी कश्मीर के अंदर जो है वो मौत की घाट उतारा गया। ये कोशिश है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ये कोशिश है पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की और पाकिस्तान की आईएसआई की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में से जो मनाटी कम्युनिटी है जो कश्मीर घाटी के अंदर रह रही है उनको वहां से भगाया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए और कश्मीर जो है वो मनाटी कम्युनिटी से खाली जो है वो करवाया जाए, वहां सिर्फ एक ही कम्युनिटी जो है वो वहां पे रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग जो है एकजुटता से इस डेमोक्रेसी को बचाने का काम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं और उसी के कड़ी में 21 लोगों की जो है शहादत जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक जो है वो हो चुकी है। आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस आगे भी हम लोग मशक्कत जो है वो करते रहेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर जे ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम हम लोग जो है वो आगे भी करते रहेंगे। हम लोग सीना तान के खड़े हैं, आपको जो करना है वो कर ले, पाकिस्तान को जो करना है कर ले, आईएसआई को जो करना है वो कर ले, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो करना है कर ले, लेकिन हम लोग रेजिग्नेशन देने वाले में से नहीं है, हम लोग रेजिग्नेशन नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर इस इंस्टीट्यूशन को जो ग्रास रूट लेवल के साथ जुड़ा हुआ जो इंस्टीट्यूशन है बड़ा अहम इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन के 40,000 इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सीना तान के खड़े हैं कि हम लोग भारत के साथ हैं, हम संविधान भारतीय संविधान के साथ हैं, हम भारतीय झंडे के साथ हैं, हम अपने भारतीय जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके साथ हैं, हम जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ हैं, हम लोग जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोग कम करने वाले नहीं हैं, हम लोग रेजिग्नेशन देने वालों में से नहीं हैं, हम आपके डर और खौफ में रहने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग जहां पे जो है भारत का झंडा बुलंद जो है वो कर